है अपने लिए कि मानव धनम राज विलास भोगान, मानव धनम राज विलास भोगान, मित्रान दारा नबी जीवित भुतवार भुतवार तो हम के बना हवे संसार भीष से मवधर्म राज्यम। फिर शिवराज जी की घोषणा है कि मैं अपना माल और अपना धन और अपना सारा सम्मान मैं राज्य की जनता के लिए समर्पित करता हूँ। मानव धनम राज्य विलास भोगान, मित्रान दारा नबी जीवित उज्ज्वल तो हम के बना हवे संसार भीष से छा दे कर।
करते हुए आगे बढ़ेंगे और हर सेकेंडरी स्कूल पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जी घोषणा जिंदौर होते हुए गोपालपुर में कार्यक्रम का यात्रा का वहां पर आज से इसका समापन होगा और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र में नहीं आएंगे। उस चुनाव की जनता मिलेगी और जिताएगी भी जनता। हमारे युवा साथी उत्साह के साथ कर रहे हैं। गौरी शंकर जी रोहित जी आपसे कहना चाहता हूँ आगे पहुंचिए और गति को रोके नहीं, बाइक आगे से
करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बड़ी माला से एक साथ सम्मान करके स्वागत कर दें हमारी सभी जनता जनार्दन की ओर से, ताकि कार्यक्रम में विलम्ब ना हो, यात्रा में विलम्ब ना हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आगे और भी कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए हमारे सभी वरिष्ठ जो अभी सभी लोग हमारे पंचासी वरिष्ठ लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का एक साथ बड़ी माला में हम सब मिलकर के आदरणीय भाभी जी सहित हमारे सांसद जी आदरणीय सिद्धे जी भाई साहब सहित हमारे सभी एक बार जोरदार आप ताली बजा करके स्वागत कार्यक्रम में शामिल हो जाए। बहुत ज्यादा समय हो चुका है, इसलिए हम बहुत विलम्ब नहीं करेंगे, सीधे सीधे आपको जल्दी से साथ से मिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मंच को थोड़ा सा व्यवस्थित कर दें ताकि हम आगे कार्रवाई प्रारंभ करें। सामने से सब लोग हट जाएं, सामने से जल्दी से सब लोग हट जाएं। नगर की ओर से आदरणीय हमारे भाई या बेटी दोनों मिलकर के जो राशि भेंट करनी है, स्वागत करना है, वो जल्दी भेंट करवा दें। चंदू में साइड आदरणीय ललित शर्मा जी के पास भी जो राशि थी वो भी भेंट करनी थी, वो भी जल्दी से लेकर के आ जाए, उसको भी भेंट करवा दें। आदरणीय ललित शर्मा जी और आदरणीय गुरुप्रसाद जी भाई साहब सहित हमारे सभी साथी लोग। मंडी की ओर से 2 लाख रुपए की राशि आदरणीय हमारे सभी साथियों की ओर से आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में हम भेंट करेंगे। हमारे सभी साथी लोग आ जाए, जो भी यहाँ पर अभी उपस्थित है जल्दी से वो आ जाए। 2 लाख रुपए की राशि मंडी की ओर से माननीय भाई साहब के साथ सभी साथियों की ओर से सहयोग के रूप में भेंट की जा रही है। ऐसी हर जगह से जगह जगह से राशियां हर मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भेंट की जा रही है। बाकी हो बाकी भेंट वाला मामला निपटा दो जल्दी से, फिर मंच को व्यवस्थित कर दें ताकि माननीय संबोधित कर सके। हमारे जितने लोग आगे रास्ता मतलब आया है, जो लोग यहाँ उपस्थित है वो दे दें। अच्छा, लाडली बहनों की ओर से वार्ड नंबर 4 की हमारी बहनें आई है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भेंट कर रही है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है, आप सब लोग जोरदार तालियां बहनों के सम्मान में बजाएं। बंसल लाडली बहन हमारी भाई साहब बंसल मुख्यमंत्री महोदय जी को राशि भेंट कर रही है, उनकी ओर से वार्ड नंबर 4 से आई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की सभी गुल्लक के माध्यम से गुल्लक में जो भेंट की जा रही है राशि रख करके उन्होंने लाई है, उनकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को चुनाव लड़वा रही है हमारी बहनें, उनको जन सहयोग कर रही है। छोटी छोटी बहनों की ओर से भी राशि आई है, जगह जगह अन्य जगह भी आ रही है, आगे भी आ रही है, ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा। बाकी लोगों से अनुरोध है, अब जो सामने खड़े हैं वो जल्दी से आदरणीय साथियों, बहुत विलम्ब हो चुका है, इसलिए मैं आप कोई औपचारिकता ना करते हो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को इस निवेदन के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ कि भाजपा के भाल के ऊपर अरे तुम हम सब के चंदन हो, और राजनीति के महासमर में तुम ही देव की नंदन हो, आशीर्वाद दे विजा सेनमा और नर्मदा मैया है, बच्चे तुमको कहते मामा बहना कहती भैया है। जोरदार ताली बजा करके आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आमंत्रित करें। मेरे प्रिय बहनों भाइयों भांजे भांजियों, आज संपूर्ण क्षेत्र में एक अद्भुत दृश्य था। मैं अभिभूत हूं, एक तरफ मेरा रोम रोम पुलकित है, ये मेरी सामने बहन भी है, ये मेरी लाडली बहना है, और ये शायद मुझे मेरी बहन को आई जानू ना यहां
ये मेरी गरीब बहनें ये लिफाफे भेंट कर रही है और इस लिफाफे में देख के मन आनंद से भर जाता है। इस लिफाफे में 11 रुपया इस मेरी बहन ने मुझे चुनाव के लिए दिए। ऐसे कितने ही लिफाफे, 11 रुपया नहीं है, इसके सामने कुबेर का खजाना पीना पड़ता है। ये बहनों का प्यार है, ये उनका आशीर्वाद है। और कौन ऐसा भाग्यशाली भाई होगा जिसके लिए अपनी बहनें मेहनत की कमाई से कह दोगी जा मेरे भैया चुनाव होगा। मेरी बहनों मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, संपूर्ण क्षेत्रवासियों ने, बच्चों ने गुल्लक के भेंट कर दिए, छोटे छोटे बच्चे नहीं जानते चुनाव क्या होता है, लेकिन वो जानते हैं कि ये हमारा दुबला पतला तीन मामा है। उन्हें मुझसे कोई स्वार्थ नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि ये क्या करेगा, इनको पता नहीं है मुख्यमंत्री क्या होता है, लेकिन इनको ये पता है कि इससे हमारा कोई ना कोई हिस्सा है, ये हमारा और ये हमारा है। ये रिश्ता दुनिया में सबसे बड़ा होता है। आज मैं इस रिश्ते के सामने नतमस्तक हूं और अपना शीश झुकाता हूं, और आज मैं संपूर्ण क्षेत्रवासियों को वचन देता हूं कि जब तक मेरी सांस चलेगी आपके लिए चलेगी, आपकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं। मेरी जिंदगी का और मतलब ही क्या है? आज मेरा परिवार, मेरी धर्मपत्नी, दोनों बच्चे वो भी साथ है, लेकिन परिवार को आप संपूर्ण मिलकर अपना परिवार बन गए, और मैं जिया हूं अपने विशाल परिवार के लिए किया। मैं खुद कई बार सोचता हूं, मैं 24 घंटे में से 20-20 घंटे काम कर लेता हूं, ये काम करने की ताकत कहां से आती है? आदमी एक रात जग ले तो दूसरे दिन काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं तो कई रात जग के भी दिन रात काम करता हूं। ये ताकत कहां से आती है? ये ताकत आती है आपके प्यार और आशीर्वाद से, आपके प्यार और आशीर्वाद। ये मुझे और काम करने की प्रेरणा देती है। आज दिया हुआ एक एक फूल जो मेरे ऊपर फूटा है, फूलों की पंखुड़ियां, प्यार का आशीर्वाद, और ये रिश्ता है कि मेरी बहनें आती है और मेरे गले लग जाती है, मेरा माथा चूम लेती है, मेरे सिर पे हाथ देती है, हमारा भाई। कौन को सौभाग्य मिलता है? मेरा तो जन्म सार्थक हो गया, जन्म सार्थक हो गया। काहे के लिए मैं धरती पर आया हूं? इसलिए कि आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए काम कर, और मैं फिर कह रहा हूं इसी धरती से मैं आगे बढ़ा, इसी घरुणा की धरती पर कई आंदोलन, कई प्रदर्शन, हमने 5-5 लोगों ने आप प्रदर्शन किए, एक जगह यही निकल जाते थे हाथ खेला ममाए तरक्त, और यही आपने आशीर्वाद देना शुरू किया, और आपने आशीर्वाद दिया, मुझे विधायक बनाया, सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और आपने मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने आपका मान सम्मान और शान पूरे हिंदुस्तान में ऊंचा करने का। कोई काम मुझसे ऐसा नहीं हुआ कि जिससे आपको आंख नीची करनी पड़ी, और अपने परिवार के साथ, अपने बड़े परिवार की मैं जिंदगी भर सेवा करूंगा, और सेवा के संकल्प को कोई मुझसे विदा नहीं कर सकता। मेरे बहन और भाइयों, मैं कोई आज उपलब्धि नहीं बताऊंगा।
होंगे, ये सड़क बना दी, ये बिजली ला दी, जो पीने का पानी ला दिया, नहीं आज आज कुछ नहीं, आज कुछ नहीं। आज इतने ही मेरी लाडली बहना, तुम्हारे भाई का संकल्प है, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया, तुम्हारे सारे दुख भी जाऊंगे। संकल्प तो यही है मेरे भांजे भांजी छोटे छोटे बेटा बेटी गुड़लक ले लेके चले आ रहे, माँ की गोद में से चला रहे, मामा मामा मामा। कहीं किसी नेता के कार्यक्रम में बच्चे आते हैं क्या? लेकिन माँ की गोद में बच्चे कूद रहे हैं, मामा मामा। वो मेरी बेटी कह रही मामा। ये छोटे छोटे बच्चे ये कुछ जानते हैं? लेकिन मेरा संकल्प है तो ये है कि इन बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने का अपना सब कुछ छोड़ दूंगा, इनकी जिंदगी कैसे आसान बने इसके लिए काम करूंगा, इनकी पढ़ाई इनकी लिखाई। आज स्कूटी लेके बैठी आ गई मामा, बेटा बेटी स्कूटी, कोई लैपटॉप लेके आ गए, खिलाड़ी आ गए बैट लेके। ये कैसे अद्भुत कार्यक्रम है, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये दिलों का प्यार बरसाने वाला कार्यक्रम था, ये याद का प्यार बरसाने वाला। चाहे मेरी बहने हो, चाहे मेरी बेटियां हो, चाहे मेरे भांजे भांजिया हो, चाहे मेरे किसान भाई हो, सूखी खेती करते थे, एक एक खेत में पानी ला रहे हैं और लाएंगे, जिंदा मत कर। कैसे बेहतर हो किसान की जिंदगी, व्यापार और निवेश कैसे बढ़े, इसके प्रयास करेंगे। कोई आज काम नहीं गिनाऊंगा, आज तो इस आशीर्वाद से नई ऊर्जा नई ताकत लेके जा रहा हूं, नए संकल्पों के साथ जा रहा हूं, नए संकल्पों के साथ। मेरी बेटियां देवियां बनी, अभी मेरी बेटियां बैठी हो तो प्रणाम करके जाऊं, मैंने उनके चरण धोए, मेरे लिए हर स्त्री देवी की मूर्तियां हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में यही था कोकिला जी, दुर्गा सप्तशती में यही कहा है, देवताओं ने देवी की वंदना करते हुए कि हर स्त्री मेरी ही मूर्ति है, मैं तो वही मान करता हूं, इस पवित्र भाव से प्रणाम। और ये पवित्रता के साथ जिंदगी बेहतर बनने का मेरा अभियान चलेगा, भैरूडा की भी, तहसील की भी, रहटी की, बोधनी की, गोपालपुर से साहेबगंज पटना कोई भी हो, मैं तुम्हारे लिए समर्पित रहूंगा जब तक जीवना करना। और आज फिर एक वचन देता हूं, आगे भी ऐसा काम करूंगा कि शान से इस माटी में पैदा हुए लोगों का सिर ऊंचा हो, कि हमारा भैया सिद्धराज देव, हमारा भैया सिद्धराज मिलकर काम करेंगे। बस एक प्रार्थना मैं करता हूं कि अब मैं चुनाव में यहां नहीं आऊंगा, मेरे आने की जरूरत है क्या? सब जोर से बहनों तुम भी बताओ, आने की जरूरत है क्या? भाइयों बताओ, आने की जरूरत है क्या? क्योंकि मुझे इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, उसके लिए मध्य प्रदेश की 229 विधानसभाओं में जाना है। बोलो मैं जाऊं? चुनाव कौन लड़ेगा? अरे जोर से बताओ, चुनाव कौन लड़ेगा? आज से आप शिवराज, मेरे भाई भी शिवराज, मेरे भांजे भी शिवराज है, मेरी बहनें भी शिवराज है, मेरी भांजियां भी शिवराज है, आप सब शिवराज है। हाँ, साधना को यही छोड़ जाओ, कार्तिक भी रहेगी तुम्हारी, लेकिन मैं आपको आज वचन देके जा रहा हूं कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार लेके आऊंगा। शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान है,
प्रदेश की सरकार लाऊंगा और यहाँ आप दुनिया में कमल खिलाओगे और खिलाना ऐसे कि दुनिया कहे ये शिवराज का परिवार है। अपना प्यार इस चुनाव के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रकट हो जाना चाहिए। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हम मिलके एक एक है, दो है ही नहीं, दो है ही नहीं, आप और मैं एक मिलके आप जीत का यहां रिकॉर्ड बनाइए। और मेरी बहनों, ये एक एक पैसा आप दिला देगी, यही दे के जा रहा हूं, चुनाव में लगेगा और ये खराब खून पसीने का पैसा है, ये लाखों लाख की बराबरी करेगा। ये अभियान करते जाऊंगा। एक बार फिर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैंने सरकार बनाने का संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी के, आप यहां रिकॉर्ड बनाने का संकल्प करें, जीत का रिकॉर्ड महाविजय है। और एक बार छोटे मोटे झगड़ों को हावी मत होने देना, नहीं तो गांव में कई बार ये ज्यादा चलता है, रामलाल उधर जा रहे हैं तो श्यामलाल इधर चल दिए, गांव की लड़ाई में हो जाता है, तू उधर तो मैं इधर। इस चुनाव में ऐसा मत करना, क्योंकि अपने गर्व और गौरव का चुनाव है, ये अपनी पहचान का चुनाव है, ये अपने सम्मान का चुनाव है, ये अपने स्वाभिमान का चुनाव है और ये अपने अभिमान का चुनाव है कि हमारा सुराज मेरे लिए, मेरी जनता, मेरा परिवार। आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की, नर्मदा मैया की जय बोलते हुए हम संकल्प लेंगे कि भैया तुम जाओ, हम शिवराज बन के चुनाव लड़ेंगे और रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, विजयासन मैया की, सभी बहनों भाइयों की, भांजे और भांजियों की, हर हर नर्मदा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब एक बार इन बेटियों के साथ सबके साथ फोटो खिंचाऊंगा, जो कब से अपने मामा के लिए देवी बन के आशीर्वाद दे रहे। ये मेरी बहन नर्मदा जल लेके आई है, इसको भी मैं लेके जा रहा हूँ, ये भी मुझे आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, एक छोटा सा बालक गदा लेकर के आया हनुमान जी की, अर्णव यादव वो भी भेंट करेगा अभी उनके बच्चों के साथ, फोटो के बाद में अर्णव यादव गदा भेंट करेंगे, छोटा सा बच्चा है, हनुमान जी की गदा लेकर के आया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भेंट करने के लिए। हाँ, इसके बाद रोड शो भी है यार, देखो रोड शो भी है भाई, कहीं पता नहीं है, खत्म, अरे खत्म नहीं हुआ, बेटे आएंगे हम छोटा, उनका हो जाए तो बच्ची की बच्चियों को होने के बाद फिर वेट कर देना। लो ये मैं हटा ही देता हूँ, मैं हटा दूँ। करूँ चेंज करूँ